मैं भी कभी बच्ची थी ना तो पट्टा है तुम्हारे यार पट्टा लग जाएगा ना आप वाइट वाला वाइट। अरे यार ये क्या कर दिया इसने जो है हम चाहते हैं कि इसके बीच बीच में स्कूल भेजें और बीच बीच में स्कूल ना भेजें। मैं तो फिर इसका अभी पतंग का नशा उतरा नहीं है देख लो। इसको नला दे फटाफट नीचे ले आना फिर ठीक ओके। मेरे यार ने बोला सेंटर घुसण से बदमाशी दा फिलहाल बना दूं। हां अरे वाह जी वाह बाबू जी नहा के आ गए। मैं आप लोगों को खिद मार के दिखाऊंगा। सो गाइस ये वाली पतंग हमने उड़ाई नहीं है, बड़ी पतंग हमने संभाल के रख दी और इसने भी आपको खींच मार के दिखाई। अब तो मैं कौन दिया आज मां ने पतंग नहीं उड़ाएगा। पतंगी कोई दिवाली नहीं होती, अब दिवाली आएगी तो दिवाली पे हम पटाखे फोड़ेंगे, जन्माष्टमी आएगी तो जन्माष्टमी में हम मार्केट में घूमने जाएंगे और आपको हम कान्हा भी बनाएंगे। कान्हा नहीं बनेगा क्यों? कान्हा तो बहुत अच्छा होता है किशन जी की तरह, अच्छे अच्छे कपड़े पहनाएंगे। तो मैं वो खाऊंगा नहीं, मक्खन नहीं खिलाएंगे, बस कान्हा बना देंगे ठीक है, बांसुरी पकड़ा के। ओए ये क्या है, ये कहाँ से सीखा बच्चे ने? अच्छा जी भाई, आजकल श्रेष्ठ मेरे से एक सवाल पूछता है जब भी मैं कोई वीडियो पोस्ट कर देता हूँ और वो दोबारा जब उसको देखता है तो कहता है पापा इसमें कितने व्यूज आ गए। तो मेरे बच्चों को भी लगता है कि व्यूज का खेल है भाई, पूछता है ना। हाँ। कैसे पूछता है बताइए जरा। हाँ और ये पूजा आ चुकी है और पूजा तैयार होकर के अपनी ब्यूटी बिखेरेगी इस कमरे के अंदर। अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, कम फास्ट। हाउ आर लुकिंग? गॉर्जियस। और गले में कुछ नहीं पहना? कोई पट्टा तो डाल लेते कि आप शादीशुदा हैं। शादी सुधा के लिए देख रहे बेटा, पट्टा नहीं डालती आपकी मम्मी। लाल कलर का पट्टा भी तो डालना है, ये देखो। शादी हो रही है। तो कहाँ है पट्टा, कहाँ है तुम्हारे यार? पट्टा लग जाएगा ना, आप पट्टे की इतनी चिंता हो रही है, आप होते सही मेरे सामने पट्टा पट्टा पकड़ने वाला भाई। मेरा श्रेष्ठ मेरी टी शर्ट लेके लगा हुआ कि पापा आज इसे सेट करके दिखाऊंगा। लगाओ लगाओ बेटा, इसको नई टी शर्ट पसंद आ गई लग रहा है मेरी, जो मुझे इन्होंने गिफ्ट की थी। ये देखो सेल्फी चल रही है इनकी। हाँ आपकी टी शर्ट तो है ही कमाल की, इसको घर के कपड़े बहुत अच्छे लगते हैं, नए कपड़े पहनाना मुश्किल हो जाता है हमारे लिए। मैं आपको एक चीज दिखाऊंगा अभी, देखना सामने आपकी मम्मी देखो क्या करेगी। वाइट वाला वाइट। अरे यार ये क्या कर दिया इसने, अब तो इसको हारना ही पड़ेगा भाई। लगो भाई हार गया। हेलो गाइस, हम बंदर लगा रहे, देखो कौन जीता है इनमें से। लगा। अरे ओ भाई। ओ मैं हार गया। आज की तो गाड़ी कोई बड़ी ही नहीं। अभी गाड़ी दिखा दो। ये लो बॉडी देख लो। अपना सिक्स पैक दिखाओ। सिक्स पैक नहीं बने अभी। को माफ कर दो। मैं माफ करूंगा। मम्मी मम्मी को देख फोन पे कैसे लड़ती है, देख। तू मेरे को कह रही थी जाता है और तू सामने वाले को बोले तो तेरे को बुरा नहीं लगता। सो फ्रेंड्स हम लोग घर में आ चुके हैं और अभी सिद्धांत कुछ बताने वाला है स्कूल का। अभी अभी जस्ट मैं आया हूँ घर और ये मेरे को भीगा हुआ सा नजर आ रहा है। पापा आधे से ज्यादा ना बॉडी में पसीना है, तो मैं मम्मी को बोलूंगा मम्मी देखो कितना पसीना निकल रहा है मेरे, तो मम्मी का रिएक्शन देखते हैं क्या होता है। अब बैग ये तेरा मेरे पास ही रहेगा। मम्मी स्कूल में बहुत गर्मी लगी। ये देखिए इसकी हालत देखिए जरा। लाइट जा रही थी क्या स्कूल में? अरे नहीं पसीना सही आंटी बोल रहे थे ना। दोनों ऐसे ही होके आ रखे हैं, वो हर्ष भी और ये भी, और स्कूल से बाहर निकले हुए थे ये।
जल्दी उतार फटाफट से, जाएगा सही। हांडी में पानी था क्या? पानी मीठा, पसीना है ये। क्या कर, क्या करके लाया तू ये? मेरे को समझ में नहीं आ रहा। अरे हो गया, मैं तो पिचक भी गया था बीच में। सच में? सच, सबके बीच में पिंटू पिचक गया था। मैं मेरा कौन सा बैग को? नहीं, वो तो हम नाचते रहते ना, सब नाचते रहते, तो मैं जैसे मेरा पैर बस ऐसे हुआ, सब मेरे ऊपर फूट गए। लगी तो नहीं? नहीं। इसकी बनियान देख, इसका मुंह देख, बाहर बारिश भी नहीं हो रही फिर भी कहाँ भीग के आ रहा है स्कूल में। स्कूल में कहीं आनी होगी ना, इसलिए पसीना आएगी। तू पसीने आते बार? और क्या, आप स्कूल में होते तो आप देखते डर जाते। अरे ये मस्तान है बार पैड में। हाँ हाँ, दोनों ऐसे ही होके आ रखे हैं। यार आप भी सुनो, इतना बेवकूफ आ रही है। मेरी लस्सी खाई मम्मी। मैंने रखी है, थोड़ा धीरे बोल। ये तो जल्दी। मैंने रखी है। पहले हाथ मुंह धो ले। यार छोड़, तभी संधि हाथ लग रहा है। चल हैंड वॉश, आराम से खोल दो, पहले साबुन लगा दो। साबुन तो क्या हुआ फिर, दे दिया तो उनकी आई तो नहीं आई थी उल्टी आई नहीं। आराम से पी, आराम से गिलास में डाल के पी ले। ना गिलास में डाल के पी कर ले। चल डाल देना बिल्कुल। हां बस टेस्ट करने में, करने में सारी मत पीजिए, ठीक है ना? यही आदत है तेरी, बच्चों के चीजें भी छोड़ती नहीं है। तो मैं भी कभी बच्ची थी ना, तो कभी कभी बचपन नहीं। आज भी बच्ची ही है तू। फिर देखो किसने चिपकाई? मैंने। क्यों? डर हो रहा था बहुत। सो गाइस, अभी अभी पूजा गरम गरम चाय ले आई है मेरे लिए, और पूजा हमेशा जमीन में बैठ के पीती है मेरे सामने। ये सम्मान है किसका? मेरे लिए। जमीन पे अच्छा लगता है मुझे चाय पीना। सम्मान तो कुछ नहीं है, सम्मान अपनी अलग जगह है। ये सम्मान इसलिए है क्योंकि ये अपने आप को हमेशा छोटा समझती है, और जबकि मैं हमेशा कहता हूँ कि ऊपर बैठ, ऊपर बैठ, बट ये फालतू का सम्मान देती है। कब सुधरेगी ये नहीं समझ में आ रहा। क्या हुआ रे, क्यों आ रहा पापा को अपने? अरे उसको अरे ये मेरे ऊपर ही चढ़ा रहा था यार, इसको मार, बहुत मारूंगा किसको।